C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। लुक मिस्टर किंग, मुझे ऐसा लगा था कि प्रज्ञा ने अभी तक आपको सब कुछ बता दिया होगा। कम टू द पॉइंट इज दैट योर वाइफ प्रज्ञा इज अ चीटर, धोखेबाज है। जिस माथे पे सिंदूर होना चाहिए उस माथे पे शिकन है, और तुम्हारी चुप्पी ने ये सब कुछ कह दिया कि तुम्हारे और मिस्टर सिंह के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। जिस माथे पे सिंदूर होना चाहिए उस माथे पे शिकन है, और तुम्हारी चुप्पी ने ये सब कुछ कह दिया कि तुम्हारे और मिस्टर सिंह के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। ये शादी है भी या सिर्फ एक नेम प्लेट है? मुझे हर बार यही फीलिंग आती है कि तुम्हारा और मिस्टर सिंह का रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है। 7 साल तक तुम मुझे दूर रही, इसलिए तुम मेरे किसी होने को हमेशा के लिए मुझे दूर करना चाहती हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छुपा के रखा? क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया मुझे कि कियारा मेरी बेटी है? क्यों छुपा के रखा मुझसे कि कियारा मेरी बेटी? क्यों नहीं? आपसे कुछ पूछता है? पूछो, you can ask me anything. आप मेरी रियल फादर है या नहीं? वो मेरी बेटी है और बाबू मैं उसका। मैंने जन्म दिया उसे। मैंने खून दिया है उसे। नौमन ने मुझे अपने पेट में रखा है उसे। 7 साल वो मुझसे दूर रही, अब एक पल भी उसे अपने से दूर नहीं रखूंगा मैं। आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। मैं उसे ले जाऊंगा। वो आपकी बेटी नहीं है, मिस्टर सिंह की बेटी है। आज ये आखिरी शाम है तुम्हारे पास, जितना एंजॉय करना है एंजॉय कर लो, क्योंकि कल से हमारा चैलेंज शुरू होगा। इस एक झूठ को छुपाने के लिए ना हजार झूठ बोलने पड़ेंगे। देखो, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मैं वाइफ, मेरी फैमिली, लेकिन मैं तुम्हारे और प्रज्ञा के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो या प्रज्ञा के बारे में जानना चाहते हो? मैं कियारा के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या सफाई से तुमने किंग से सच छुपाया? क्या सच छुपा? तुम बताओगी या मैं बताऊं? बताओ। ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। क्या तुम अपने पति से प्यार करती हो? सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि कियारा मेरी बेटी, या फिर ये प्रूफ करना है कि कियारा किंग की बेटी नहीं। बहुत प्यार करता हूँ मैं कियारा से, मुझे उसे अपने साथ रखना है, अपने साथ सोलाना है, अपने साथ रुकना है। अभी तो सोचा, कल सोचते हैं, और ज्यादा इमोशनल मत हो। क्या पता कल कियारा घर आ जाए और कल रात तू और कियारा साथ में सो। तुम अभी के साथ, सुना तुमने, अभी के साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। इसका मतलब है कि कियारा की मॉम ने इसको परमिशन दी? नहीं, इन्होंने कहा था कि परमिशन उसके डैड ने दी, और फिर कह रहे हैं परमिशन इन्होंने दी। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। कियारा की जो मॉम है ना, उसने मुझे परमिशन दी, तो वही मैं परमिशन आपको दे रहा हूँ। आप दे दीजिए प्लीज। मेरी नीस कह रही है कि मैं आपका एक सेल्फी लेके उसे भेज दूँ, तब उसे यकीन होगा कि आप यहाँ है। आपकी नीस कितना कुछ कहती है, मन तो कर रहा है कि उसे गले लगा लूं। आपकी नीस मेरी फैन है, मेरे साथ सेल्फी लेना चाहती है। यस। सेल्फी क्या? मैं उसे अपने साथ कॉफी पी ले जाऊंगा। हाउस दैट? रियली? वो मेरी फैन है। यू लव योर नीस? ऑफकोर्स, आई लव हर अ लॉट। आउट सुपर ब्रिलियंट, मजा आ गया। व्हाट अ सेल्फी। आप तो दे ही दीजिए फॉर्म। ये पेपर्स बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, और हम फॉर्म ऐसे किसी को दे नहीं सकते। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कियारा की मम्मी ने आपको कहा कि मैं पेपर्स आपको दे सकती हूँ,
तो मैं आपको दे दूंगी। बेस्ट। लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि आपको ये पेपर्स क्यों चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, बाद में बात कर लूंगी। यार प्रिंसिपल मैम कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? आ गया। मैम इसमें कियारा का फॉर्म कहाँ? वही तो यहाँ नहीं है। क्या? सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स यहाँ एक ही फाइल में, लेकिन इसमें कियारा का फॉर्म नहीं मिल रहा। तो कियारा का फॉर्म कहाँ है? हमारे दूसरे ऑफिस में, यहाँ का ऑफिस रेनोवेशन में जा रहा है तो हमने हमारा सारा सामान उधर शिफ्ट कर दिया है। तुम मंगवा लीजिए ना मैम प्लीज। क्या है, अगर कियारा का एडमिशन फॉर्म नहीं मिलेगा तो शायद वो कॉन्सर्ट में परफॉर्म ना कर पाए। मैंने प्रिंसिपल मैम को जाकर सारा सच बता दिया कि कियारा को किसी इंटरनेशनल कॉन्सर्ट के लिए नहीं जाना है। आपने जो कुछ भी कहा सब झूठ है। तुम डर रही हो ना कि अगर फॉर्म मेरे हाथ में आ गया तो प्रूव कर दूंगा कि कियारा मेरी बेटी। बात डर की नहीं है, बात तो चैलेंज की है ना, आपने मुझे चैलेंज किया ना। तो अगर आप जीतने के लिए कुछ भी कर सकते तो मैं भी नहीं हारने के लिए कुछ भी कर लूंगी। तुझसे है राब्ता में इस शनिवार देखिए जीप हुई तो क्या हुआ? अरे अपने पास भी तो अपनी गाड़ी है ना। कल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं देखिए कि हुई गुड्डन के मायके और ससुराल में सबसे बड़ी कहा सुनी। गुड्डन इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है, ले जाइए उसको। झगड़े को करने ठीक गुड्डन ने सोची तरकीब। मैरी क्रिसमस। ये तरकीब होगी कामयाब या गुड्डन को हमेशा के लिए छोड़ना होगा ससुराल। फारो के साथ मेरी और अस्मिता के साथ रिदोई की शादी अगले हफ्ते होगी। क्या पुचकी का फर्ज की खातिर लिया हुआ गुनहगार निवेदिता को सजा देने का फैसला हमेशा के लिए तोड़ देगा उसकी और शांतनु की दोस्ती? देखिए शाम 7 बजे सिर्फ जी टीवी पर। चल जी, मुझे एक भी मिनट लेट नहीं होना। ऋत्विक एक एक वर्ड जो अपने मुंह से निकालेगा ना मुझे सारा कुछ सुनना है। चल आप शरिया बोर्ड से और कबीर से जकात के नाम पर क्या करवाना चाहते हैं हमें पता है। हम अपने शौहर को शैतान की जकड़ से आजाद करके रहेंगे। एक बीवी का वादा है आपसे। तो फिर सुनो एक शैतान का वादा कि हम कबीर को कभी भी अपने गिरफ्त से आजाद नहीं होने देंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि एक बाप के अपने बेटे पे पकड़ बेहतर है या एक बीवी के अपने शौहर पे। एक खास वजह से लाई हूँ मैं तुम्हें यहाँ। क्या वजह है दीदी? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी पिछली सारी यादें दिमाग के एक कोने में बसी हैं। बस बाहर आने की देर है शायद। हर एक दिन हर एक पल जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती मैं कोशिश करती रहूंगी। मैंने इतना अच्छा खाना अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। उनकी पहली इंद्री उनका स्वाद कब्जा कर लिया मैंने। जिसने खाना बनाया है उसके हाथ चूम लो। जिसने भी ये खाना बनाया है अपना हाथ आगे लाए। आज का खाना हमारे हाथों से बना है।